बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। मैं हूँ फिज़ा, वेलकम करती हूँ आपको लाजवाब पकवान में। लाजवाब पकवान में आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार, नरम मक्खन जैसे ऐसे कोफ्ते जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आपने अगर किसी की दावत करनी हो और आपको समझ ना रहा हो कि मेहमानों के लिए ऐसा क्या बनाया जाए जो कि आसान भी हो और उनको बहुत पसंद आए, तो ये नरम और मज़ेदार से कोफ्ते बनाए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं लेती हूँ तकरीबन 1 किलो कीमा, चिकन का कीमा लिया है, जिसमें मैं ऐड करती हूँ फ्राई की हुई प्याज। एक प्याज ली थी उसको मैंने फ्राई कर लिया था। अब इसमें स्पाइसी ऐड करती हूँ 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, नमक आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकती हैं, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून बेसन के। बेसन को अच्छे से छान लिया था मैंने, वो ऐड कर दूँगी। बेसन लाजमी ऐड कीजिएगा, अगर आप बेसन नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इसकी जगह जो चने होते हैं वो भी ऐड कर लीजिएगा। उसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से, अब इसको प्लेट में निकाल लिया। अब इसके हम कोफ्ते तैयार करते हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप कोफ्ते रेडी हो जाएंगे, लेकिन हमने इसको थोड़ा दबा दबा कर करना है ताकि इसमें क्रैक ना आए। अगर इसमें क्रैक हुए तो जब फ्राई करेंगे तो जो कोफ्ते आपके होंगे वो टूट जाएंगे। जितने ज़्यादा आप दबा दबा कर कोफ्ते बनाएंगे उतने ही आपके कोफ्ते जो हैं परफेक्ट बनेंगे। इस तरह हाथों से आपने दबा दबा कर इसको बिल्कुल मज़बूत करना है, फिर दोनों हाथों से इसकी परफेक्ट गोल्ड सी शेप बना लेनी है। इसी तरह से आपने बाकी सारे कोफ्तों को रेडी कर लेना है। बहुत ही आसानी के साथ आपके कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। इसमें हमने प्याज और टमाटर का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि जो प्याज होते हैं और टमाटर होते हैं वो पानी छोड़ देते हैं, जिससे आपके कोफ्ते जो हैं उनके टूटने का डर होता है। एक कढ़ाई ले लिया, इसमें मैंने ऑयल को डाला है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हमने फ्लेम को मीडियम कर लेना है। एक एक करके सारे कोफ्तों को इसमें डाल दिए जाएंगे और आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, तभी आपके कोफ्ते अंदर से पकेंगे और इसके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आएगा। ज़्यादा हाई फ्लेम पर आप जब आप फ्राई करेंगे तो आपके जो कोफ्ते हैं वो अंदर से कच्चे रहेंगे। तो आपने तकरीबन इनको 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है। जब अच्छे तरह से ये फ्राई हो जाएँ, एक कोफ्ता बेशक निकाल के देख लीजिएगा कि अंदर से पक गया है कि नहीं। रेसिपी आपको स्टेट पर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो लाजवाब पकवान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसी तरह से बाकी सारे कोफ्ते को भी हम फ्राई कर लेंगे। अब उसी ऑयल में थोड़ा सा जो ऑयल है मैंने साइड पर निकाल लिया था, और बाकी ऑयल में हम अपनी ग्रेवी रेडी कर लेती हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने कट कर ली थी, मोटे मोटे साइज़ की कट की, क्योंकि बाद में हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ताकि जो इसका कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। अब हम इसमें ऐड करते हैं टमाटर। 1 टमाटर ली थी उसको मैंने कट कर लिया है नॉर्मल साइज़ में, और वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। 1 से 2 हरी मिर्चें हैं वो भी मैंने ऐड कर ली हैं। आप अगर चॉप करके ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर लीजिए। बहुत ही आसानी के साथ ग्रेवी आपकी जल्द 5 मिनट में रेडी हो जाएगी, और मेहमान जब घर पे आए हो आपने जल्दी से फटाफट से ये रेसिपी बनानी हो तो आपको इस तरीके से फॉलो करके बनाएं, तो आपकी जो रेसिपी है परफेक्ट भी बनेगी, मज़े की भी बनेगी और बहुत ही आसानी के साथ जल्दी बन जाएगी। अब इसको हम जग में ऐड कर लेते हैं, जो जूसर वाला जग होता है, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वह जल्दी बन जाए। अब कढ़ाई में जो ऑयल बचा है इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करती हूँ। 1 तेज़पात, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 से 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ ऐसे ही ऐड किया, अगर आप फ्रेश यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर लें। जो मसाला हमने ब्लेंड करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और बहुत ही हमारी अच्छी ग्रेवी बनकर रेडी होगी। जग के साथ जो थोड़ा बहुत लगा था वो भी हम पानी के साथ मिक्स करके इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है अच्छी परफेक्ट बन जाए, और जब भी ये थोड़ा बहुत ऑयल रिलीज़ करे तब हम इसमें थोड़े स्पाइसी ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क धनिया पाउडर। बस इसी पॉइंट पर यही चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अब हमने अपने मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे तकरीबन 5 टेबलस्पून, और दही ऐड करने के बाद हमने जो इसकी फ्लेम है बिल्कुल लो कर देनी है। अब हमने जो इसका दही का पानी है वो अच्छे से ड्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हम इसमें सारे कोफ्ते ऐड कर देंगे और 1 से 2 गिलास में पानी ऐड कर देंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है अच्छे से रेडी हो जाए, और जो मसाले हमने मसाले के अंदर ऐड किए हैं वो सारे उसका टेस्ट कोफ्तों के अंदर भी आ जाए। कवर लगा देंगे उसको, तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएँगे। 10 मिनट के बाद जो हमारा पानी है वो आधे से भी ज़्यादा ड्राई हो गया है और हमें जिस कंसिस्टेंसी में अपनी ग्रेवी चाहिए वो रेडी हो गया। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी करना चाहते हैं या थोड़ी पतली रखना चाहते हैं तो आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिए। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा मसाला पाउडर ऐड करूँगी। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ये लाजमी ऐड कीजिएगा। अब फाइनल स्टेज हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें
और हरा धनिया, हरी मिर्चें यहाँ पर ऐड करने से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते जो हैं वो परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हो गए। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, यकीन करें सारे मोहल्ले वाले आपसे पूछने आ जाएंगे कि आपने घर में ऐसा क्या बनाया जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई है। मैं आपको एक कोफ्ता तोड़ कर दिखाती हूँ, ये अंदर से कितना परफेक्ट कुक हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है और इतना नरम और जूसी हमारा कोफ्ता बनकर रेडी है। रेसिपी अच्छी लगी हो लाजवाब पकवान को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।